तो परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने की घोषणा की है, जिसके चलते दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, ये बात तो हर कोई जानता है कि जीतने वाले खिलाड़ी को सनकी न सिर्फ माला माल कर देता है बल्कि उस खिलाड़ी की शान में विक्ट्री मार्च निकाला जाता है, तो वहीं पुरस्कारों की झड़ी लग जाती है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को खेल में शिकस्त मिलती है तो उसका फिर भयानक स्वागत किया जाता है। एक जूडो खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसे कोयले की खदान में भेज दिया गया। कहा जाता है कि हारे हुए खिलाड़ियों को सनकी सीधे जेल में डलवा देता है, लेकिन इस बात के अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। वैसे इस बार के ओलंपिक खेलों में उत्तर कोरिया के महज दो ही एथलीट क्वालिफाई कर पाए हैं। ऐसे में अगर ये खिलाड़ी दुश्मन देश की जमीन पर हार के आते हैं तो इन लोगों को सनकी क्या सजा देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।